आज की इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी के एक टॉपिक आइसोमॉर्फिक ग्राफ की एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दो ग्राफ दिए गए हैं, जी और जी डैश दिए गए हैं। वो कहता है कि चेक करें कि ये दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं या नहीं है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है और आइसोमॉर्फिक ग्राफ का एक क्वेश्चन क्या था, जिसमें हमने प्रूव किया था कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ कब होते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि ये दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं या नहीं है, अगर हैं तो कैसे हैं, अगर नहीं हैं तो कैसे हैं। तो वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास दो ग्राफ जी और जी डैश दिए गए हैं, उनको हमने एज गिवन इन दो ग्राफ को लिख लेना है। इन दो ग्राफ को लिखने के बाद इन ग्राफ दोनों ग्राफ की जो वर्टिसेस हैं इन दोनों ग्राफ की वर्टिसेस की डिग्री को हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक देखें तो हमारे पास वर्टिक्स जो वी वन है इसकी डिग्री क्या है, वन है। इसकी डिग्री वी वन की डिग्री क्या है, वन है, क्योंकि इसमें से एक एज पास हो रहा है। इस तरह वी टू है, इसकी डिग्री क्या है, टू है, क्योंकि इसमें से दो एज पास हो रहे हैं। अगर आप डिग्री के बारे में नहीं जानते कि डिग्री किस तरह किसी भी वर्टिस या एज की फाइंड की जाती है, तो आप तो प्ले लिस्ट में जाके इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी तरह जो V1 है उसकी डिग्री V1 है, जो V2 है इसकी डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें दो एज पास हो रहे हैं, किधर जा रहा है किधर जा रहा है। इस तरह V3 है, इसकी डिग्री V2 है, इधर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। जो V4 है इसकी डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि एक एज इधर जा रहा है, एक एज इधर जा रहा है, एक एज इधर जा रहा है। V4 की डिग्री कितना है, 3 है। V5 की डिग्री 1 है, V6 की डिग्री 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह इन तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमने जी ग्राफ में डिफाइन किया है। इस तरह सेम इसी तरह आपने जी डैश ग्राफ में भी डिग्रीज को डिफाइन करना है। तो ए की डिग्री क्या है, वर्टिक्स ए की डिग्री क्या है, 1 है। वर्टिक्स बी की डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें भी दो वर्टिसेस पास हो रहे हैं, एजेस पास हो रहे हैं। इस तरह वर्टिक्स जो सी है उसकी डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि इसमें से 3 एज पास हो रहे हैं, एक एज इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक एज ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री 3 है। इस तरह वर्टेक्स डी की जो डिग्री है वो कितना है, 2 है, क्योंकि इसमें से दो एज पास हो रहे हैं, एक इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है। इस तरह ई जो वर्टेक्स ई है इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक एज जो एक एज पास हो रहा है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इस तरह जो हमारे पास वर्टेक्स एफ है इसकी डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक एज नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह जब आपने दोनों वर्टिस की डिग्री को डिफाइन कर लेना है, जब दो ग्राफ की डिग्री को डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी ग्राफ लिखना है आपने, जो कि क्या है कि तमाम वर्टिसेस की जो डिग्रीज हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, 3 थी, उसके बाद डिग्री कितनी थी, 2, 2, 1, 1, 1, तो वो हमने एन असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी है। इसी तरह डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी डैश ग्राफ लिख देना है, वो क्या है, 3, 2, 2, 1, 1, 1 है, ठीक है ना। तो उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर काउंट करें तो कितने, 6 वर्टिसेस हैं, V1, V2, V3, V3, V4, V5, V6, 6 वर्टिसेस हैं जी ग्राफ में भी और जी डैश ग्राफ में भी, ठीक है ना। इस तरह नंबर ऑफ एजेस कितना है, नंबर ऑफ एजेस 5 एजेस हैं, E1, E2, E3, E5, E4, E5, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एजेस E5 है, ई डैश ग्राफ में भी और ई ग्राफ में भी। जब ये कर लेंगे तो उसके बाद अब आपने गौर करना है। तो अहम बात ये थी, हमने पढ़ा था कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है कि जिसमें वर्टिसेस और एजेस के दरमियान 1-1 कॉरेस्पोंडेंस पाई जाती है। मीन ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टिसेस और एजेस के दरमियान 1-1 कॉरेस्पोंडेंस पाए जाए, ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। अब पहले हमने क्या, अब इसको मैं दोबारा डिफाइन कर लेता हूँ कि सबसे पहले हमने दो ग्राफ को लिखना है, उनकी डिग्रीज को डिफाइन करना है। डिग्रीज को डिफाइन करने के बाद उनकी डिग्री सीक्वेंस को दोनों ग्राफ को लिखना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस को लिखना है, नंबर ऑफ एजेस को लिखना है। उसके बाद जो मेन काम है वो हमने क्या करना है, 1-1 कॉरेस्पोंडेंस चेक करनी है वर्टिसेस के दरमियान और एजेस के दरमियान। पहले हम दोनों ग्राफ के वर्टिसेस के दरमियान 1-1 कॉरेस्पोंडेंस चेक करेंगे, उसके बाद हम दोनों ग्राफ के एजेस के दरमियान 1-1 कॉरेस्पोंडेंस चेक करेंगे। लेकिन नोट करना है कि अगर 1-1 कॉरेस्पोंडेंस चेक करते हुए
यानी कि वर्टिसेस के दरमियान और एजेस के दरमियान। अगर वर्टिसेस के दरमियान वन ऑन कॉरेस्पोंडेंस मीट नहीं होती यानी कि डिफाइन नहीं होती तो हम एजेस के दरमियान वन ऑन कॉरेस्पोंडेंस चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम कह देंगे कि दो ग्राफ जो दिए हैं वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं वन ऑन कॉरेस्पोंडेंस इन दोनों ग्राफ में है या नहीं है, वर्टिसेस के दरमियान और एजेस के दरमियान, ठीक है ना। तो उसका तरीका क्या था कि हमने एक वर्टेक्स लेना है जिनके ग्राफ जी में से, ठीक है ना, उसकी डिग्री को देखना कितना है। वी वन वर्टेक्स है, उसकी डिग्री क्या है, वन है, ठीक है ना। इसी तरह ये किसके साथ कनेक्ट है, वर्टेक्स वी टू इनके जिसकी डिग्री क्या है, टू है। हमने इसमें से ऐसा वर्टेक्स करना है जिसकी डिग्री वन हो और क्या हो, टू डिग्री वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो। तो इधर अगर हम जी डैश ग्राफ में देखें तो ये वर्टेक्स एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी खुद की डिग्री क्या है, वन है, और ये वर्टेक्स टू यानी कि वर्टेक्स बी के साथ कनेक्ट है जिसकी डिग्री क्या है, टू है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ वी वन किसके क्रॉसपोंड है, ए वन के, ठीक है ना। तो वर्टेक्स वी वन है वो किसके क्रॉसपोंडेंस है, ए वन के, ए के हम लिख लेते हैं, एक ए या ए वन कह दें, लिख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा वर्टेक्स उठाना है जी डैश में से, सॉरी जी में से, कि हमारे पास वर्टेक्स वी टू है, इसकी डिग्री क्या है, टू है। इस ये किस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है, वर्टेक्स वी वन इनकी जिसकी डिग्री वन है, और वी थ्री जिसकी डिग्री टू है। मीन अब हमने जी डैश में एक ऐसा वर्टेक्स तलाश करना है जिसकी खुद की डिग्री की तो क्या हो, टू हो, और वो दो वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो जिनकी डिग्री क्या हो, वन हो और टू हो। अगर इसमें देखें तो हमारे पास बी वर्टेक्स है, ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री खुद की डिग्री क्या है, टू है, और जो ये कनेक्ट है वो डिग्री वन और थ्री के साथ कनेक्ट है। इसी तरह डी को देखें तो ये इसकी खुद की डिग्री तो टू है लेकिन ये कनेक्ट किसके साथ है, थ्री और वन के साथ है। इसी तरह सी को देखें तो इसकी खुद की डिग्री थ्री है जो कि कनेक्ट है टू और टू के साथ। तो इसी तरह अगर हम तमाम वर्टिसेस को देखें तो कोई भी ऐसा वर्टिक्स नहीं है जिसकी खुद की डिग्री क्या हो, टू हो, और वो दो ऐसे वर्टिक्स के साथ कनेक्ट हो जिनकी डिग्री क्या हो, वन हो और टू हो, वन और टू हो, ठीक है ना। हम वर्टेक्स वी टू के क्रॉसपोंडेंस अगर हम जी डैश में कोई भी जी डैश के क्रॉसपोंडेंस जी में हमने देखा कि कोई भी वी टू के क्रॉसपोंडेंस ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो कि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मीट कर रहा हो, तो हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ वी टू नॉट इक्वल टू बी टू। मीन हमारे पास जो वी टू है वर्टेक्स है उसकी खुद की डिग्री टू है, और इस तरह वी वन की वी टू की डिग्री टू है, और वो वर्टेक्स वी वन और वी थ्री यानी कि वन डिग्री और टू डिग्री के साथ कनेक्ट है। इस तरह बी जो है वो खुद की डिग्री उसकी टू है और ये वन और थ्री के साथ कनेक्ट है। मीन इसकी डिग्री और वी वन की डिग्री और बी की डिग्री वर्टेक्स की डिग्री आपस में मीट नहीं करनी, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ वी टू नॉट इक्वल टू बी। तो अब हमें जो है ना मज़ीद आगे जो वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक ही जो एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो ग्राफ है जी डैश और जी ग्राफ है आर नॉट आइसोमॉर्फिक, मींस दीज टू ग्राफ आर नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ ईच अदर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।